हेलो दोस्तों कैसे हो माय सेल्फ दीपक टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर तो देखो बेटा अपना इको का जो कारवा है फिजिक्स इको का चौदह टेस्ट तक पहुंच गया है टोटल आपके सोलह टेस्टों ने फोर्टीन तक अपन पहुंच चुके हैं आशा करता हूं आपका काफी अच्छा रिविजन रहा होगा इस टेस्टों के माध्यम से ठीक है चलो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं किसको रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है बेटा प्लेन मिरर अप्रोच पर्सन विद सम समन टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब यहां पे मिरर मूव कर रहा है ठीक है और जब भी बच्चों मिरर मूव कर रहा होता है तो उस केस में जो इमेज है वो डबल स्पीड से इन डायरेक्शन ऑफ मिरर मूव कर रही होती है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज जो है वो मिरर से डबल होता है तो वेलोसिटी भी डबल होती है इसलिए एक्सलेशन भी डबल होता है इसलिए आंसर क्या आएगा यहां पे आपको इसका एक्सलेशन टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वन है और यहाँ पे इसके प्रतिबिंब का मतलब इमेज का जो एक्सेशन होगा क्या आएगा फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे टाइम वाला क्वेश्चन है ये मिरर इमेज निकालनी टाइम की टाइम ऑफ ए क्लॉक इज 15 मिनट पास्ट 5 एंड 25 फाइव मतलब आपको टाइम की बने फाइव आवर 15 मिनट एंड 25 फाइव ठीक है तो यहाँ से हमें

टोटल 11 में से माइनस करना होता है आपको आवर्स को ठीक है एंड 59 में से माइनस करना होता है आपको मिनट को एंड 60 जो कंप्लीट अमाउंट है उसमें से माइनस करते हैं सेकंड को ओके? चलो करिए माइनस एच करें तो कितना आता है सिक्स ठीक है फिर 59 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा फोर्टी ठीक है उसके बाद फिर सिक्सटी में से माइनस करेंगे ट्वेंटी को तो 60 में से माइनस कर दिए तो ये कितना बन जाएगा 35 ठीक है तो कौन सा आंसर आ गया सिक्स आवर फोर्टी फोर मिनट एंड थर्टी फाइव सेकेंड सेकेंड आंसर ओके चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है थर्ड अब आप कह रहे हैं कि मैन यूजेज कॉन के मिरर फॉर शेविंग ठीक है ही कीप्स फेस डिस्टेंस सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड गेट्स एंड इमेज विच इज 1.5 ठीक है पे इसका मैग्निफिकेशन गिवन है तो हमें focal length of कौन के mirror आपको find करनी है तो आप जो formula है ठीक तो अब देखिए आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें क्या गिवन है वहां पे जो इमेज है प्रतिबिंब में 1.5 टाइम्स ही है तो एम को रख देंगे 1.5 3 बाई टू ठीक है एफ फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है ठीक है फोकल लेंथ फाइंड करनी है ओके एंड यू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर अब जो डिस्टेंस ऑफ मिरर के सामने रखते हैं ना तो उसकी डिस्टेंस क्या लेंगे नेगेटिव ठीक तो 20 है तो ट्वेंटी ट्वेंटी का नेगेटिव रख दो यहां पे तो यहां माइनस पहले से तो प्लस ट्वेंटी बन जाएगा ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको तो ये वन पॉइंट फाइव एफ ठीक है तो वन पॉइंट फाइव एफ हो गया तो देखिए सर वन पॉइंट फाइव एफ प्लस ये जाएगा थर्टी इज इक्ल टू एफ क्लियर यहां से ये इसको तो लेके माइनस किया तो जीरो पॉइंट फाइव एफ इज इक्वल टू माइनस थर्टी तो यहां से हम देखते हैं एफ इज टू कितना जाएगा माइनस सिक्सटी तो कौन सा आंसर आ गया सेकेंड माइनस सिक्सटी ठीक है चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आगे क्वेश्चन नंबर फोर ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जब भी यहां बच्चों दो प्लेन मिरर आमने सामने रखे होते हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में क्या होता है फर्स्ट मिरर में जो इमेजेस बनेगी वो नेक्स्ट मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट होती है और फिर, उसमें बनती है. फिर उसमें जो इमेज बनी है वो इधर वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी फिर इसके अंदर इमेज बनेगी ऐसे ही कार्यक्रम आगे से आगे चलता जाता है तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे देखें इसमें आपसे कह रहा है कि ये पर्सन है एक मैन है जो दोनों मिरर के बीच में खड़ा हुआ है इधर से डिस्टेंस वन मीटर है इधर से मीटर है ठीक है अब इस एल टू मीर में आपको बताना है कि जो सेकंड वाला इम, जो प्रतिबिंब है इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा ये बताना है देखिए इधर इधर पे ये से डिस्टेंस है ठीक इसकी तो यहां इमेज बनेगी, कितने बनेगी है? वन पे ये डिस्टेंस वन हो जाएगी ऐसे ही इसके सामने ये टू मीटर डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज बनेगी कहां बनेगी टू मीटर पे ठीक है टू मीटर पे इमेज बन गई अब देखिए अब इस पे जो अगली इमेज बननी है नेक्स्ट इमेज कहां बननी है देखो बेटा यहां पे जो ऑब्जेक्ट ये जो इमेज बनी है ना ये इमेज ये इमेज इस मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट होगी तो तो यहां यहां से से इसकी डिस्टेंस कितनी है एंड इसके सामने पे ये ऑब्जेक्ट है ठीक है मतलब मतलब इमेज बन रही है लेकिन इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ना ये इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है फाइव पर है तो फाइव पीछे बन जाएगी इमेज तो यहां बनेगी इस जगह फाइव पर ये इमेज बनेगी तो हमसे पूछा है ये जो इमेज बनी है ये वाली ठीक है ये इमेज इस पर्सन को अपने से खुद से कितनी दूर दिखेगी तो यहां तो है देखिए आपसे कह रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर थर्टी डिग्री प्राप्त होती है तो इसका उत्पन्न विचलन क्या होगा मतलब आपको डेविएशन निकालना है ठीक है एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस थर्टी डिग्री वन है ठीक है तो आप जानते हैं प्लेन मिरर से जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है डेल डेल इज इक्वल टू कितना होता है है 180 ठीक बस ये अप्लाई कर दो वन एटी माइनस टू आई तो देखो वन एटी माइनस टू आई आई कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस थर्ट डिग्री तो ट्वाइस ऑफ थर्टी कर देंगे तो बेटा वन एटी में से सिक्सटी माइनस किया कितना बचा कितना बचा वन ट्वेंटी ठीक है क्या गया आंसर फोर्थ

ठीक तो है मतलब यहां पर बैठा से रिफ्लेक्ट हो पे इस के जाएंगी इसका नेचर मिरर ठीक है मिरर। तो कौन सा आंसर आएगा ये समतल दर्पण आई बस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सेवन नंबर ठीक है 1.8 लंबाई का एक लड़का है ठीक है इसकी बॉय की लेंथ आपको दे रखी है 1.8 मीटर, मिरर बेटा ये डिस्टेंस जो इसकी आई की जो लेंथ है ठीक है डिस्टेंस ये आपको बेवकू पर आने के दे, दे रखी है ठीक है सिंपल अपन जानते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर डीजल क्या होता है एच बाई है लंबाई का आधा कर कर दो 1.8 का हाफ कर देंगे तो कितना जाएगा ये 0.9 मीटर ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 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 पर नंबर 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 देखिए आपको क्या कह रहा है 8 हम देखें आपसे बोला जा रहा है कि टू प्लेन से ठीक तो तो है इस तरह से आपस में हुए ऐसे टोटल कितने रिफ्लेक्शन होंगे और यहां से बाहर निकलेगी आपको बताना है टोटल कितने रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकलेगी दूसरे एंड से तो देखिए यहां पे हम कैसे बेटा थर्टी ये एंगल तो भी थर्टी होगा ठीक है ये डिस्टेंस मान लो उसने ट्रेवल करी x इन वन रिफ्लेक्शन वन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में अगर ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ठीक है तो यहां से x वैल्यू क्या होगी अप्लाई कर सकते हैं यहां से देखो तेन थीटा, तेन थीटा टू, ये डिस्टेंस टू दे रखी ना, देखो बेटा क्या रहा मैं, आता है एक्स अपॉन जीरो आपको पता ही है वन अपॉन रूट थ्री एक्स इक्वल टू क्या जाएगा इसको वन अपॉन रूट थ्री रख देंगे तो जीरो पॉइंट टू अपॉन रूट थ्री

तो इसको टू अपॉन ऑन रूट थ्री मीटर के इक्वल करिए रख दो एक्स की बोलो जीरो जीरो पॉइंट टू अपॉन रूट थ्री रख देंगे ठीक है इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री ठीक है तो रूट थ्री से रूट थ्री गया तो यहां से उधर से डिवाइड कर दो तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया टेन तो टोटल तो कितने रिफ्लेक्शन होंगे टेन तो टेन रिफ्लेक्शन के बाद ये रहे यहां से दूसरे एंड से बाहर निकलेगी ठीक है चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नाइन ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बताना चाहता है आपको आपसे कह रहा है कि यहां पे एंगल थीटा कितना हो कि रे रिफ्लेक्ट हो कितना दिख रहा है, 90 एंगल 90 है। तो जब भी टू मिनट में एंगल नाइनटी होता है तो इन दोनों रेज में जो एंगल ऑफ डेविएशन है ठीक है एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू होती है डेल डेल ने टू थ्री सिक्सटी माइनस टू थीटा करते हैं थ्री सिक्सटी माइनस टू थीटा

180, तो डेल नेट हमेशा कितना रहेगा वन एटी ठीक है डेल नेट के लिए इक्वल जो कि हम देख रहे हैं थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा ठीक है नॉट डिपेंड ऑन थीटा ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा नॉट डिपेंड ऑन थीटा इसका मतलब एंगल थीटा कितना भी हो ऑलवेज ये जो रे है इसके अपोजिट ही जाएगी मतलब इसके पैरेलल ही मूव करेगी तो क्या जाएगा आंसर ऑल ऑफ दीज ठीक है चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या आपसे आपसे दो प्लेन मिरर हैं ठीक है नाइन डिग्री इमेजेस बनेगी इमेज बनेगी वैल्यू ऑफ आई आईज थ्री सिक्सटी अपॉन थीटा कर रहे हैं एंगल बिटवीन मिरर्स तो यहाँ पे आप डिवाइड करो कितना है फोर ठीक है अब बच्चों फोर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक नंबर है ठीक है नहीं है ईवन नंबर है मतलब सम संख्या है और हम जानते हैं जब भी एक सम संख्या होती है इवन नंबर होता है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं आई माइनस वन करके तो फोर में से वन माइनस करो कितनी तो इमेज बनेगी थ्री तो टोटल थ्री इमेजेस बनेगी आंसर आ जाएगा थर्ड ठीक है चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहे हैं आपसे निम्न में से किसके द्वारा वास्तविक बिंब के लिए सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है मतलब आप है कि इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज किससे आपको ठीक है तो प्लेन प्लेन मिरर प्लेंग मिरर से तुम जानते हैं हमेशा ही जो इमेज बनती है हमेशा वो सीधी बनती है एंड है एंड वर्चुअल होती ठीक है कॉन्वेक्स मिरर इससे भी हमेशा जो इमेज बन रही है वो सीधी बनती है एंड वर्चुअल बनती है क्लियर अब यहां पे इसमें कॉन मिरर कॉन मिरर में ज्यादातर कंडीशन में तो इमेज कैसी बन रही होती है बच्चों रियल इमेज लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन ओ एंड एफ रखें ठीक है ओ एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आप रखोगे ना तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑप्टन होती है बिहाइंड मिरर मिरर के पीछे तो इसलिए सब में पॉसिबल है इसलिए क्या टिक करेंगे ऑल ऑफ दी सब में ही आ सकता है रिजल्ट ठीक है चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे क्या गिरा है इस तरह से ये मिरर से ठीक है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोल रहे हैं 45 डिग्री 75 सॉरी यहाँ पे इसके बाद रिफ्लेक्ट हो पे पे गए और पे ये दोनों के में एंगल है, 135 तो जब भी यहां पे इसमें ये टोटल एंगल यहां पे 135 बिटवीन फाइव मिरर से तो और ये आई वन इधर इस पे आप हो रहा है, इस पे आप हो रहा है, I2 एंगल पे तो इस केस में जो टोटल एंगल बिटवीन मिरर से थीटा ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू क्या होती है इन दोनों के सम के इक्वल मतलब एंगल थीटा जो होता है बेटा यहां पे आई वन प्लस आई टू होता है हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होता है आई वन प्लस इक्वल ठीक है तो यहां से थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है आई वन आई वन कितना है सेवनटी फाइव सेवनटी फाइव प्लस आई टू अब इस बार ये आई टू एंड थीटा सेम ही होगी, से होगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल तो टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको थीटा रख दें ठीक है तो उसको माइनस करो तो थीटा कितना आ गया यहां पे 60 डिग्री थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री ठीक है तो 60 डिग्री कौन सा आंसर ये सेकंड तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं आई बात समझ में चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है एक प्लेन मिरर है ठीक है इज अप्रोचिंग यू एट ए स्पीड ऑफ 12 एक समतल दर्पण आपकी तरफ आ रहा है ठीक है किस स्पीड से 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से तो आपका प्रतिम किस चाल से आएगा आपको शुरू में समझाया था मैंने भी कि अगर मिरर मूव कर रहा है प्लेन मिरर मूव कर रहा है तो जो इमेज है डबल स्पीड से पास आती है डबल उसका एक्सलेन होता है डबल उसका डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक तो है तो यहां पे स्पीड ट्वेल्व दे है तो इमेज किस स्पीड से आएगी ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड से ठीक है चलो आ गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि व्हेन लाइट वेव सफर रिफ्लेक्शन एट इंटरफेयर फ्रॉम एयर टू ग्लास मतलब यहां से एयर से ग्लास की सरफेस पे ठीक है एयर से आ रही है ग्लास पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही।, रही है रे अब रिफ्लेक्ट हो रही कहां से हो रही है डेंसर मीडियम से ठीक है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा पाई ठीक है तो पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो है क्यों क्यों लाइट इज ए ट्रांसफर्स वेव और लाइट हम जानते हैं ट्रांसफर वेव है और जब भी कोई ट्रांसफर्स वेव वाले अनुप्रस्थ तरंग तो जब भी कोई अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसफर्स वेव होती है किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ठीक है हाई बस में चलो थोड़ एक थोड़ी एक चीज और बता दूं आपको मैं यहां बच्चों डेंसर मीडियम का मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स पास पास हैं उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे वेव के लिए कोई भी वेव हो वेव के लिए डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम कैसे डिसाइड किया जाता है स्पीड ऑफ वेव से ठीक है जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी हम बोलेंगे वो रेयर मीडियम है और जिसमें स्पीड कम होगी उसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम तो लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होती है ग्लास में कम होती है ठीक है तो इसलिए ग्लास जो है, वो है, air, है. कम होती है ग्लास में ज्यादा होती है तो इसलिए ग्लास जो है वो साउंड के लिए तो क्या होगा डेंसर मीडियम सॉरी रेयर मीडियम एंड एयर के लिए ठीक है साउंड के लिए जो एयर मीडियम है एयर तो होगा रेयर मीडियम क्यों? दोबारा सुनिए साउंड के लिए क्या होता है साउंड की स्पीड ज्यादा किसमें होती है एयर में, तो में, में साउंड की स्पीड कम होती है ठीक है तो साउंड एंड लाइट दोनों के लिए अपोजिट रिजल्ट आ रहे हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसमें ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इज केम्ड ठीक है

क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है देखिए क्वेश्चन सिक्सटीन इमेज प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इज क्वार्टर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है इमेज कितनी एक चौथाई वन फोर्थ साइज की इमेज है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज मतलब हमें क्या निकालना है u की क्यों निकालनी है अच्छा फॉर्मूला क्या होता है m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू पढ़ाई होगा आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा एम इज टू एफ वन एफ माइनस टू अब एम यहां पे बोला है मतलब मतलब छोटी इमेज अब देखिए यह बात ध्यान देने वाली बात है कौन के मिरर में जो अवतल दर्पण होता है बेटा अवतल दर्पण में छोटी इमेज जो बनती है वो उल्टी बनती है हमेशा ठीक है इन्वर्टेड फॉर्म में इसलिए एम यहाँ पे हमें क्या लेना है माइनस ऑफ वन बाई फोर आप मिस्टेक ही करोगे सीधा वन बाई फोर रख के निकालोगे आंसर जो रोंग आ जाएगा ठीक तो है तो पे को रखना है माइनस वन बाई फोर ठीक है एफ हमें यहाँ पे

तो उसको ले गए, है मा, हो गया माइनस यूजाइट फाइव एफ ठीक है तो इसका है कि जो ऑब्जेक्ट है हमें मिरर के फ्रंट में रखना पड़ेगा ये बता रहा है माइनस साइन और कोई मतलब नहीं है माइनस का ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड ऑफ मिरर मतलब के सामने ठीक है चलो अब आते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन काफी अच्छा क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है आपसे कौन वैक्स मिरर ठीक है कौन सा मिरर दिया आपको? Mirror, क्या रहा आप की आपको, F है आपको मतलब छोटी इमेज बन रही है जानते ही है ठीक है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर ठीक है इमेज जो है वो मिरर से कितनी दूर बन रही है आपको बताना है ठीक है तो देखो यहां पर एम

क्या निकालना है वैल्यू ऑफ v निकालनी है तो उसको मल्टीप्लाई करें इधर तो उसको दे ले गए f इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी एफ माइनस पी वी ठीक है तो इस पी वी कोमन ले लेंगे तो पी माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो यहां से हमें क्या निकालना है वी निकालना है तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया एफ पी माइनस वन अपॉन पी तो कोई आंसर आ रहा है क्या

क्यों क्योंकि तो में क्या होता बेटा कॉन्वेक्स मिरर अपन जानते हैं कोई है, ठीक हम है हमेशा इमेज केवल के यहीं बनेगी इसके बीच में केवल इसके अलावा कहीं बनती नहीं इमेज केवल यहाँ बनती है इस जगह ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट कहीं भी रख ऑब्जेक्ट रख दे पे इमेज क्या बनेगी केवल एफ एंड पी के बीच में क्लियर अब यहां पे आपसे रहा है देखिए 20 सेंटीमीटर पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ कितनी है टेन डिस्टेंस आपको यहां से तक की गिवन है टेन सेंटीमीटर गिवन गिवन है ये 10 cm, डिस्टेंस गिवन है ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आप रखते हो इन्फिनिटी पे तो इमेज बनती है फोकस पे जैसे हम यहां पे ऑब्जेक्ट को सरका के पास लेके आते हैं इमेज सरकती इधर आती आती है ठीक है थीके? तो आपसे ट्वेंटी सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है क्या इमेज ट्वेंटी बनेगी कोई नहीं बनेगी टेन से उधर तो बन नहीं सकती फिर टेन सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या इमेज इन्फिनिट बनेगा नहीं बनेगा ठीक है तो इसलिए कौन सा आंसर आएगा क्योंकि इमेज तो देखो बियॉन्ड एफ तो बनी नहीं सकती ना इमेज तो तो यहाँ पे दोनों में ही एक बाइ ट्वेंटी बता रहा है एक पे दोनों ही रहेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट होंगे तो क्या जाएगा फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही आ सकते हैं ठीक है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट ओके चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपसे कह रहा है कि थर्टी सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर

माइनस एटीन फिर हमें क्या निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर मान लो डिस्टेंस एक्स से तो यूक्ल टू क्या होगा बेटा एक्स यू को मैंने माइनस एक्स रख दिया ठीक है अब पे इससे ये कैंसिल कर दो तो आराम से कट जाएगा थ्री से एटीन सिक्स टाइम्स कट गया ठीक है अब इसको उधर ले आएंगे तो माइनस एटीन तो यही सही है माइनस एटीन प्लस एक्स इजल टू कितना माइनस का सिक्स ठीक है तो से x क्या होगा बेटा माइनस 18, 18 को तो रहा? रहा 12. 12 okay? चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा आप आप है आपसे देखिए आपसे कह रहा है कि गोलीय दर्पण है स्फेरिकल मिरर है ठीक है इसमें वी और यू में ग्राफ हमें गिवन है इस तरह से ठीक है इसकी फोकल लेंथ कितनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ ट्वेंटी है तो ट्वेंटी तो का डबल करो फोर्टी कोमा फोर्टी तो फोर्टी कोमा फोर्टी कौन सा आंसर है सेकेंड तो इसका आंसर आएगा सेकंड ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आपसे कर सकते हैं ठीक है तो रियल इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट कैन पहला कह रहा है है ऑन स्क्रीन बिल्कुल सही बात ठीक है थीके? जो रियल इमेज होती है रियल इमेज को तो अपन स्क्रीन पे ऑप्टेन कर ही सकते हैं ठीक है सेकंड कह रहा है बाय कॉन के मिरर क्या कौन के मिरर से रियल इमेज बन सकती है अरे ज्यादातर बनती रियल इमेज कॉन के मिरर से तो ठीक है तो मैक्सिमम कंडीशन में कौन के मिरर से रियल इमेज ही बनती है ठीक है तो सेकंड भी सही है अब कह रहा है बाय कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल सही बात है कॉनवेक्स लेंस से भी ठीक है कॉन्वेक्स लेंस से भी यहाँ पे रियल इमेज बनती है ठीक है ऑल ऑफ दीज इसलिए क्या टिक करेंगे आंसर ऑल ऑफ दीज चारों ही सही है मतलब तीनों ही सही है ठीक है चलो आ गए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखिए आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम फोकल पॉइंट ऑफ ए कॉन मिरर इज फोर एंड नाइन मतलब एक कॉन मिरर है कॉन मिरर इसके फोकल पॉइंट से ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों की डिस्टेंस गिवन है आपको कितनी फोर एंड नाइन आपको क्या बताना है फोकल लेंथ ऑफ़ मिरर ठीक है इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है कैसे निकालोगे इसका एक डायरेक्ट फॉर्म होता है, बढ़ते है x1, x2. F x1, x2, तो कितना थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का रूट करेंगे तो सिक्स कौन सा आंसर आ गया थर्ड

सबसे ज्यादा होता है दृश्य क्षेत्र इसीलिए बच्चों इसका यूज जो हम करते हैं ठीक है व्हीकल्स के जो साइड मिरर हैं व्हीकल्स में जो साइड मिरर होते हैं उनमें बैक साइड वाले व्हीकल्स को देखने के लिए हम कौन सा मिरर काम में लेते हैं कॉन्वैक्स मिरर क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू सबसे लार्जेस्ट होता है ठीक है तो पीछे का जो लार्ज एरिया है वो छोटे से मिरर में ही आराम से दिख जाता है ठीक है चलो ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए क्या कह रहा है ट्वेंटी फाइव में आज फिगर शोज लाइट रेज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स ए पॉइंट ठीक है यहां पे इस तरह से एक कॉन्वेक्स मिरर की बने यहां पे रेज आ रही है इस पॉइंट पे जा रही इंसिडेंट आती हुई फील हो रही है अब बच्चों यहां से देखिए यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर इधर आएंगी यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएंगी तो दोनों रेज रियली इस पॉइंट पे मिलेगी तो इसलिए इमेज कैसी बनेगी रियल इमेज ठीक है रियल इमेज यहां मिलेगी और कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर तो इमेज अपन जानते हैं वैसे इरेक्ट होती है हमेशा ठीक है इरेक्ट इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी कौन सा रिजल्ट वास्तविक तथा सीधा ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा आइए बस समय तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन तो देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपसे कह रहा है कि इसमें एक पारदर्शी घन है मतलब क्यूब है ठीक है इस क्यूब में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन ये क्यूब दिखा रहा है ठीक है कोई मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है ठीक है इसकी टोटल वन साइड फिफ्टीन सेंटीमीटर रही है टोटल कितनी रही है फिफ्टीन सेंटीमीटर अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है कोई एक एयर बबल है ठीक है इसको हम एक तरफ देख रहे हैं तो देखो ये तो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमें दिख रही है यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ दिख रही है इस तरफ से हम देख रहे हैं यहाँ से हम देख रहे हैं इसकी इमेज हमें यहाँ पे दिख रही है इस जगह ठीक है ये डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस मान लो बेटा ये एल है हम इसको लेफ्ट से देख रहे हैं तो यहाँ से तक ये डिस्टेंस हम दिखेगी इसे हम बोलेंगे एल डैश ठीक है एल डैश यहाँ दिख रही है इसकी इमेज इमेज यहाँ पे फिर इसको हम इधर से देखते हैं इधर से देखते हैं तो इधर से देखने पर राइट साइड देख रहे हैं ठीक है इसकी एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से आर है

R जाएगा r अब यहाँ पे इसमें हम म्यू कॉमन ले लें म्यू कॉमन ले लो इसमें क्या ब्रैकेट में एल डैश प्लस आर डैश तो एल डैश एंड एक तरफ से 6 और एक तरफ से फोर दे रखी है तो ये सिक्स और ये दे रखी है फोर ठीक है सिक्स प्लस फोर कितना हो गया टेन तो म्यूजल टू कितना म्यूजिकाइव सॉरी म्यू इज टू कितना वन पॉइंट फाइव वन है हमें क्या निकालनी है वेलोसिटी तो, तो सी तो आपको बचपन से थ्री इंटू टेन पॉवर एट म्यू रख दो पर सेकेंड टू इंटू टेन पॉल एट मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है ये फोर्थ तो आंसर जाएगा फोर्थ इसका ठीक है चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन पढ़िए आपसे विद टू एयर क्रिटिकल एंगल इन मीडियम फॉर लाइट रेड कलर इज थीटा रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा है ठीक है अदर फैक्ट्स रिमेनिंग सेम द एंगल ऑफ लाइट ऑफ ग्रीन कलर विल बी तो बेटा देखो एक चीज ध्यान रखो क्रिटिकल एंगल जो सबसे स्मॉल होता है सबसे स्मॉल क्रिटिकल एंगल होता है वॉयलेट कलर के लिए इसलिए बच्चों वॉयलेट कलर का जो टी आई आर है वो सबसे पहले होता है जितने भी कलर्स हैं अगर किसी कलर का टी आई आर होगा ना तो सबसे पहले तो अपने वॉयलेट कलर का होगा बैंगनी कलर का और सबसे लास्ट में किसका होगा रेड कलर का ठीक है अगर नहीं हो रहा तो पक्की बात है किसका नहीं हो रहा होगा रेड का और अगर हो रहा है तो पक्की बात है किसका हो रहा होगा वॉयलेट कलर का, का ये चीज ध्यान रखें क्योंकि क्रिटिकल एंगल सबसे स्मॉल वॉयलेट कलर का होता है एंड रेड का सबसे मैक्सिमम तो हमसे कह रहा है कि रेड के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा है तो यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए थीटा क्या आएगा कम आएगा लेस देन थीटा आएगा इससे ठीक है क्योंकि रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा होता है अदर कलर का निकालोगे तो रेड से तो कमी आएगा ना ठीक है चलो 28. 28 में क्या देखिए आप बता रहे हैं कि हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवल इन लिक्विड इस लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी तो बच्चों इस लिक्विड का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मालूम भी हुए ठीक है तो देखिए यह, यहां से अपन देखें इस तरह से

अपॉन फाइव आपको करना है तो ट्वेल्व अपॉन फाइव करेंगे तो टू पॉइंट फोर इन टेन पावर एट ये इसका आंसर आ जाएगा मतलब थर्ड तो थर्ड इसका आंसर अपन टिक कर सकते हैं ओके चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे ट्वेंटी नाइन आपसे कह रहा है कि एक कंटेनर है इसको हमने फोर्टीन इसके टोटल हाइट कितनी है फोर्टीन मीटर फोर्टीन सेंटीमीटर तो कितना इसके अंदर वाटर भरे कि हमें ये ऊपर से देखने पर आधा भरा हुआ और आधा खाली प्रतीत हो मतलब इस तरह से देखिए यहां से बच्चों इस तरह से कोई कंटेनर है ठीक है इसकी कंटेनर की टोटल हाइट है एच ए टोटल हाइट एच अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर आपने इसके अंदर यहाँ तक इस जगह तक ये लिक्विड फिल कर दिया इस जगह तक ठीक है इस जगह आपने यहां पे ये लिक्विड फिल कर दिया इसको इस जगह तक कितना ये डी

तभी तो आपको ये आधा भरा हुआ और आधा खाली दिखेगा ऊपर से देख रहे हो उसका रहा है तो ये डी डैश है तो एच ठीक है डी दी डैश दी जो होती है डिस्टेंस ये डी अपॉन म्यू होती है डी अपॉन म्यू डी डैश को आप रख दिया डी अपॉन म्यू ठीक है अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ एच हमें कितना दिया एच की वैल्यू हमें गिवन है यहां पे 14 ये लो रख दो इसको 14 ठीक है d d यहाँ पे कितना है d तो खेर हमें निकालना है चलो तो यहाँ पे d प्लस अब d अपॉन म्यू वाटर का म्यू कितना होता है 4/3 यहां 4/3 हो गए तो 3d/4 ये हो जाएगा म्यू को आपने 4/3 रख दिया तो ये कितना है बेटा ये हो गया 7d/4 7d/4 तो 7 से पहले 14 को 2 टाइम्स कट कर दो तो d 4 2 8 तो आंसर क्या आ गया 8 आ गया तो एट कौन से ऑप्शन में फर्स्ट में तो पहला जाएगा D 8, चलो आगे बढ़ते इसको बाहर की दुनिया एक व्रत के अंदर दिखती है अपन जानते हैं लिक्विड के अंदर कोई फिश होती है तो उसको जो आउटर सराउंडिंग है एक सर्किल के अंदर दिख रही होती है उस सर्किल की रेडियस क्या होती है उसका एक फॉर्मूला है पढ़ा हुआ आपने कभी बचपन में ठीक है तो पे R H H 1. अब इसी के बारे में पूछ है क्या होगी तो एच कितना की वन है आपको यहां पे सेवन एच को रख दिया सेवन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन म्यू कितना है फोर बाई थ्री इसका स्क्वायर करिए सिक्सटीन बाई नाइन माइनस वन ठीक है तो यहां से क्या हो गया ये सेवन अपॉन रूट ऑफ सिक्सटीन बाई नाइन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये ये सेवन बाई नाइन सेवन बाई नाइन तो ये तो नाइन का रूट थ्री होता है ना थ्री तो ऊपर चला गया और ये सेवन बटा रूट सेवन करेंगे तो रूट सेवन तो थ्री रूट सेवन कौन सा आंसर आ रहा है इसके अंदर ये फोर्थ आ जाएगा ठीक है थ्री रूट सेवन क्लियर चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी वन देखिए थर्टी वन क्या कह रहा है आपसे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे टू सेंटीमीटर डायमीटर का एक कॉइन है एक सिक्का है इसका व्यास दो सेंटीमीटर है पानी में रखा हुआ है ठीक है उसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसका जो वर्चुअल व्यास व्यास है आभासी कितना ये हमें देखना है तो देखो से से इस तरह आपसे कह रहा है क्वेश्चन तो इस तरह से ये कोई कंटेनर है ठीक है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ ये ठीक है इसके अंदर इस कंटेनर में ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे इस जगह कोई कॉइन रखा हुआ है कॉइन ठीक है अब ये ये लिक्विड है इसके अंदर बेटा यहाँ पे कोई कॉइन रखा हुआ इस जगह अब इसको ऊपर से आप देख रहे हो ऊपर से आप देख रहे हो तो देखो इसके लिए रे आएंगी पहले इस पॉइंट को पॉइंट इस पॉइंट के लिए एक रे ले ली बैठा देखो यहाँ से अपन समझे एक रे सीधी आएगी तो क्या होगा इसकी सीधी निकल जाएगी एक रे यहाँ से आएगी इधर ठीक है तो ये नॉर्मल से अवे बैंड होगी अभी आराम से दूर हटेगी तो दूर हटेगी तो देखिए एक तो रे ये जा रही है एक इधर जा रही है दोनों वास्तव में कहीं मिल नहीं रही बट दोनों को पीछे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे ये मिलती फील होगी इस जगह तो इस पॉइंट की ए जो है इसकी इमेज हमें कहाँ दिख रही है इस ए डैश पर ऐसे ही यहां पे जो ये पॉइंट बी है ठीक है इसके लिए अपन सोचे तो इसके लिए हमें जो इमेज दिखेगी ये बी की इमेज दिखेगी यहां पर ठीक है बी डैश पर तो यहां पे देखिए कॉइन हमें कुछ ऐसा दिखेगा ये ऊपर से आप देख रहे हो ना कॉइन हमें कुछ उठावा दिखेगा लेकिन साइज वही रहेगी इसकी ठीक है ऊपर से हम देखिए आप देख रहे हैं तो हमें यहाँ की जगह दिख रहा है लेकिन इसका जो डायमीटर है डायमीटर डायमी उतना ही उतना फील हो रहा है जितना पहले था तो क्या आएगा इसका आंसर टू सेंटीमीटर मतलब फर्स्ट ही आएगा इसका ओके चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आपसे थर्टी टू क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मैक्सिमम फोर क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम अभी थोड़ी देर पहले बात की थी सबसे अधिकतम किसका होता है रेड कलर का रेड कलर का क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होता है ठीक तो है मैक्सिमम फॉर रेड कलर ठीक है मिनिमम पूछता तो वायलेट कलर ठीक है चलो आगे आए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री क्या कह रहा है थर्टी थ्री पानी में एक स्विमर है ठीक है जो कि ट्वेल्व मीटर सरफेस से नीचे है ठीक है मतलब कुछ इस तरह कह रहा है यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे कोई स्विमर है मतलब ऑब्जर्वर है जिसकी वाटर में जो डिस्टेंस दे रखी है ये कितनी दे रखी है इसकी ये ट्वेल्व मीटर यहाँ से ये ट्वेल्व मीटर नीचे है ट्वेल्व मीटर ठीक है अब यहां से कह रहा है ऊपर एक बर्ड है जो कि 18 मीटर फ्रॉम वाटर सरफेस है इस जगह एक बर्ड है ठीक है इस जगह बेटा यहां पे बर्ड है इसकी डिस्टेंस यहां से तक दे रखी कितनी ये 18 मीटर 18 मीटर अब ये सो स्विमर जो उस बर्ड को देख रहा है तो हम देखते हैं बच्चों बर्ड जब किसी रेयर मीडियम में होता है ठीक है एंड स्विमर मतलब ऑब्जर्वर किसी डेंसर मीडियम है तो उसको बर्ड की जो अपेरेंट डिस्टेंस होती है कुछ दूर दिखती है यहां दिखती है इसकी इमेज बर्ड की ठीक है ये डिस्टेंस जो डी डैश होगी इस डी डैश की जो वैल्यू होती है ये डी डैश डी डैश और ये डी है बेटा तो आपसे कह रहा है कि इस डी डैश की बतानी क्या होगी मतलब इस सरफेस से कितना दूर दिखेगा बर्ड तो डी डैश जो होता है डी डैशल म्यू इन टू डी म्यू क्या है ये वाला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है ठीक है तो म्यू तो यहाँ पे वाटर का हम जानते हैं फोर बाई थ्री दे ही रखा है इसमें खेल ठीक है एंड डी डी कितना यहाँ पे एटीन डी को रख दो एटीन एटीन रख दोगे तो कितना हो गया थ्री

ये 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तो टोटल थिकनेस कितनी थ्री सेंटीमीटर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना इसका तो इस थिकनेस की वजह से जो वर्चुअल डिस्टेंस हमें दिखेगी अपॉन म्यू के अकॉर्डिंग अपन सोचे ये थ्री सेंटीमीटर हो गया तीन सेंटीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 तो यहां से कितनी आई वैल्यू टू सेंटीमीटर ठीक है मतलब समझो यहां पे थिकनेस कितनी है वन सेंटीमीटर

के बाद थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है डेंसर से रे तक तो तो जाने पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो देखिए आपसे कह रहा है एयर इंटू वाटर गलत है एयर इंटू ग्लास ये भी गलत है ग्लास इंटू वाटर ग्लास बच्चों डेंसर मीडियम है वाटर रेयर मीडियम है तो इसलिए क्या आएगा ग्लास इंटू वाटर ठीक है क्योंकि डेंसर मीडियम क्या होता है ग्लास 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 का का इंडेक्स कितना होता है? का होता है का होता है तो यहां से हम देखते हैं डेंसर से रे जाएगी इसलिए ही टी आई आर ओ तो आंसर क्या जाएगा थर्ड आ जाएगा इसका ठीक है चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस फोर मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइव बाई थ्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइव बाई थ्री देखा है ठीक है तो यहाँ से देखो यहाँ से ऊपर अपन डिस्क देखो तो ना कह चाहता है ये वही बात है जो फिश वाली बात अपन करते हैं फिश को ऊपर की जो बाहर की सराउंडिंग है एक सर्किल में दिखती है अच्छा उस सर्किल के ऊपर ही अगर वो डिस्क रख दें तो बाहर की सराउंडिंग दिखेगी नहीं तो वही तो पूछ रहा है ये वही पूछा है कि ऊपर हम कितना व्यास की चक्ति रखें डाईमीटर डायमीटर पूछा है कि ताकि जो अंदर जो लाइट रे है वो बाहर निकल के नहीं आए ठीक है तो यहाँ से अपन जानते हैं रेडियस का तो फॉर्मूला होता है एच अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन ठीक है एच एच हमें फोर ठीक है रूट ऑफ म्यू स्क्वायर करेंगे तो फाइव बाई थ्री का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई नाइन माइनस वन कर दिया ठीक है अब यहां पे देखिए क्या बनेगा फोर अपॉन रूट ऑफ अब ट्वेंटी फाइव बाई नाइन माइनस वन करेंगे तो सिक्सटीन बाई नाइन ठीक है सिक्सटीन बाई नाइन तो यहाँ पे फोर से तो सिक्सटीन रूट कट गया रूट नाइन है इसका वैल्यू थ्री होता है तो थ्री ऊपर चला गया ये तो क्या निकाल लिया अपन ने रेडियस हमसे पूछा है डायमीटर। डायमीटर चलो आगे बढ़ते हैं इसमें अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन थर्टी सेवन इसमें आपसे रहा है कि हमें इसक्यू बतानी है म्यू टू वन म्यू थ्री टू यह बतानी है तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू म्यू टू विध यहां पे म्यू वन विद रेस्पेक्ट टू टू ठीक है इन टू ये क्या है म्यू ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू थ्री ठीक है तो म्यू थ्री का डिवाइड कर दिया ये क्या है म्यू थ्री विद रेस्पेक्ट टू फोर तो म्यू फोर से डिवाइड कर दिया क्या कट जाएगा यहां पे यहां पे म्यू टू से म्यू टू गया म्यू थ्री से म्यू थ्री गया क्या म्यू वन अपॉन म्यू फोर तो म्यू वन अपॉन म्यू फोर को लिखेंगे म्यू वन विद रेस्पेक्ट टू फोर तो कौन सा आंसर आ रहा है इसका आ जाएगा फोर्थ आंसर ठीक है फोर्थ आंसर आ गया क्लियर

ठीक है तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू होती है वन अपॉन न्यू क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन है ना ठीक है चलो अब यहां पे लगाते हैं स्नेल्स स्नेल स्लो स्ने देखिए वन इंटू साइन थी वन इंटू साइन थीटा ठीक है इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर न्यू इंटू साइन आर इसे लगाते हैं स्नेल्स स्लो स्नेल्स स्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों स्नेल्स स्नेलो के अकॉर्डिंग म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बोलते हैं स्नेल्स स्लो

देखिए साइन आर इजक्ल टू आप फाइंड करेंगे तो वन अपॉन क्या अपॉन म्यू है रेगिस्तान में मृग मृचिका का, का कारण क्या है जो मिराज है उसका रीजन क्या है सिंपल आप सब लोग जानते ही टी आई आर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक है थर्ड इसका आंसर आएगा ठीक है चलो आगे आए फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी में क्वेश्चन फोर्टी ठीक है आपसे कह क्या कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर आपको दे देखें ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है ठीक है मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर तो क्या आएगा म्यू ऑफ ग्लास विद अपॉन म्यू ऑफ वाटर ठीक है अब यहाँ पे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है ग्लास है? का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है कांच का कितना है तीन बटा दो थ्री बाई टू ठीक है वाटर कितना है फोर बाई थ्री तो थ्री ऊपर जाके मल्टीप्लाई नाइन बन जाएगा तो नाइन बाई एट तो नाइन बाई एट कौन सा है है सेकंड सेकंड आंसर आ जाएगा इसका एट। ओके चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर पे वन, क्या कह रहा आपसे जब एक मछली पानी के अंदर ऊपर देखती है तो आकाश द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा ठीक है जबकि जल का अपवर्तनांक रूट टू है मतलब कुछ ऐसी बात कर रहा है देखिए इस तरह से यहाँ पे ये जो सर्किल दिखता है नीचे यहाँ पे फिश होती है एच डेप पे ठीक है तो यहाँ पे हमें देखो यहाँ से अगर अपन

दिख रहा है l phi इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा सी दिख रहा है ट्वाइस ऑफ थीटा सी क्योंकि थीटा सी है तो इधर से ये भी कितना होगा थीटा सी होगा थीटा सी थीटा सी तो ट्वाइस ऑफ थीटा सी थीटा सी इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू म्यू आपको दे रखा है रूट टू थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन कर दिया तो यहाँ पे ये फोर्टी डिग्री तो टू इन कितना हो गया आंसर नाइनटी डिग्री ठीक है नाइनटी डिग्री सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका ठीक है ऐसा अपन सॉल्व कर सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पे फोर्टी टू क्या कह रहे हैं आपसे एक हरे रंग का प्रकाश पानी से वायु पर क्रांतिक कोण थीटा से क्रांतिकोण थी मतलब ग्रीन लाइट है ग्रीन लाइट यहां पे फॉलो हो रही है इसके लिए क्रिटिकल एंगल थीटा है ग्रीन लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा है ठीक है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट यहां भी वही बात आप ध्यान रखें आपसे बार बार बोल रहा हूं मैं क्रिटिकल एंगल सबसे स्मॉल किसका होता है बेटा

एयर सही बात है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है मतलब रेड गलर। रेड गलर की फ्रिक्वेंसी कम होती है आंसर फोर्थ आ जाएगा चलो आगे देखिए फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री आपसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है आप जानते हैं जब कब होता है जब रे कदर जाती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ और कब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होती है ठीक है तो आएगा आई इज ग्रेटर देन आई सी होता ना तब तब ऐसा होता है ठीक है चलो 44 44 आपसे कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ए पॉइंट आई ऑन स्क्रीन प्लेन ग्लास प्लेट हूड्स थिकनेस इन द डायरेक्शन ऑफ बीम इज टी ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बता रखा है म्यू है तो यहाँ पे कन्वर्जिंग पॉइंट कितना शिफ्ट होगा बेटा कुछ नहीं नॉर्मल शिफ्ट की ही बात कर रहा है ठीक है जो पड़ते हैं ना अविलंब विस्थापन ठीक है नॉर्मल शिफ्ट अभिलंब विस्थापन कितना होता है नॉर्मल शिफ्ट टी इन टू वन माइनस वन अपॉन न्यू अवे फ्रॉम ठीक है मतलब जो रे इस डायरेक्शन में था, वो इस तरह आप से आपसे कह रहा है कि इस तरह से ये बीम यहाँ पे ग्लास लेव है ठीक है ग्लास लेव है अभी यहाँ पे ग्लास अपन अपने रखी अभी बच्चों अगर ग्लास लेब नहीं थी ग्लास लेब नहीं थी तो ये रे कहां जाके मिल रही थी यहाँ पे इस जगह यहाँ मिल रही थी अब आपने ग्लास ग्लास स्लेब रख दी तो ग्लास ग्लासैब से थोड़ी सी ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से फिर वापस आएगी तो उसी डायरेक्शन निकलेगी तो यहाँ मिलेगी इस जगह इस जगह तो जब ग्लास स्लेब नहीं रखी थी तो आपने ये यहाँ पे आके मिल रही थी इस जगह अब कहा शिफ्ट हो गई यहाँ पे तो इसकी थिकनेस मिटाई कितनी है टी ए तो यहाँ से इसकी जो शिफ्टिंग हो गई है इसका जो पॉइंट का जो विस्थापन होता है इस विस्थापन का टी इंटू वन माइनस वन अपॉइन म्यू ठीक है किधर शिफ्ट हो गई अवे साइड शिफ्ट हो गई ठीक है ये अपन देगा चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर के बाद क्वेश्चन नंबर ठीक है देखिए क्वेश्चन फोर्टी फाइव वट इज टाइम टेकन टू क्रॉस ए ग्लास ऑफ थिकनेस फोर एम एम एंडल टू थ्री बाय लाइट सिंपल सी बात है टाइम निकालना है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है

क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ठीक है क्वेश्चन फोर्टी सिक्स देखिए क्या है क्वेश्चन फोर्टी सिक्स रेडिश अपियर ऑफ सन ऑफ द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज दिस फिर इज देखो हम देखा होता तो है जो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में हमें सन थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज कलर का अपीयर होता है उसका रीजन क्या है इसका रीजन है बच्चों स्केटरिंग स्केटरिंग किसे कहते हैं ठीक है काफी दूर से लाइट आ रही होती है ठीक है तो रास्ते में जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल हो गए या एयर पार्टिकल हो गए उनसे लाइट टकराकर बिखर जाती है ठीक है स्प्लिट हो जाती है इसी फिनोमेना बोलते हैं स्कैटरिंग ठीक है स्कैटरिंग बच्चों रेड कलर के लिए सबसे मिनिमम होती है मतलब रेड कलर की जो बिखराव है बिखरना होता है वो तो कम होता है अदर कलर्स बहुत ज्यादा बिखरते आते हैं तो क्या है कि दूसरे दूर से कोई ऑब्जेक्ट से रे आ रही है तो रेड कलर वाली रेस रास्ते में कम बिखरती है मीन हमारी आइज तक ज्यादा अमाउंट पहुंचती है तो सन से जो लाइट इमिट होती है हम जानते हैं कंप्लीट विजिबल लाइट्स इमिट हो रही होती है सारी सारी रेड ग्रीन ब्लू येलो लेकिन अदर कलर्स रस्ते में बिखर गए ठीक है हमारी आईज तक ज्यादा नहीं पहुंच पाए सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी आईज तक कौन सा कलर पहुंच पाता है रेड कलर ठीक है इसलिए हमें सन रेड दिखाई देता है सनसेट और सनराइज के टाइम पे ठीक है तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका आंसर स्केटरिंग ऑफ लाइट ठीक है चलो फोर्टी सेवन देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन में सेवन कोट फोर्टी सेवन आपसे कह रहा कि यहाँ पे ये ए बी और ए सी डी अगर पैरेलल है तो इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या होगा बेटा देखो दोनों रेज अगर पैरल हैं मतलब दोनों का एंगल सेम है ठीक है नॉर्मल के साथ दोनों का एंगल सेम बन रहा है जैसे पे देखें ये ये नॉर्मल के साथ एंगल है इसके साथ भी ये एंगल मतलब ये जो एंगल है ये और ये एंगल नॉर्मल के साथ एंगल सेम बन रहा है एंगल सेम होगा तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी सेम आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग देखते हैं क्या देखते हैं म्यू साइंस टू कॉन्स्टेंट ठीक है म्यू साइंधरा टू कॉन्स्टेंट तो थीटा सेम है तो म्यू की वैल्यू भी सेम आएगी तो म्यू वन इजल टू तो म्यू फोर क्या आएगा आंसर फोर्थ ठीक है चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट फोर्टी एट में कह रहा है कि एक लाइट है इसकी वेवलेंथ है फ्रिक्वेंसी है वी है फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी तो इंटेंसिटी आई है तो जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कौन सी चीज सेम रहती है बेटा सेम रहती है फ्रीक्वेंसी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज फिनोमिना ऑफ सोर्स ठीक है फ्रीक्वेंसी केवल किसका गुण है स्त्रोत का गुण है ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता केवल फ्रीक्वेंसी जो ऐसी चीज होती है ठीक है किसी पर डिपेंड नहीं करती मतलब केवल सोर्स पर डिपेंड करती है इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम रहेगी ठीक है एन इजल टू एंड डैश क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन देखिए क्वेश्चन फोर्टी नाइन आपसे कह रहा है एक प्रिज्म है जिसका रिफ्क्टिव एंगल मतलब प्रिज्म एंगल 60 डिग्री की बने ठीक है ठीके? और आपको यहाँ पे कह रहा है कि इनके डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए ये है डिस्पर्सिव पावर निकालनी है डिस्पर्सिव पावर ओमेगा ठीक है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होती है डल वाई ठीक है डेल वी माइनस डेल आर डेल वी माइनस डेल आर ठीक है अपॉन डेल वाई माइनस वन ठीक है इसे निकालते अपन ओमेगा तो डेल वी माइनस डेल आर वॉयलेट एंड रेड के लिए जो यहाँ पे डेविएशन है रेड के लिए हमें कितना गिवन है रेड के लिए हमें यहाँ पे गिवन है वॉयलेट के लिए पहले 53 थ्री वॉयट के लिए 53 थ्री रख दो 53 थ्री वॉयलेट के लिए रेड के लिए हमें गिवन है यहाँ पे कितना 51 51 रख देंगे 51 वन ठीक है अपॉन येल्लो के लिए कितना यहां पे येल्लो के लिए यहां पे जो वैल्यू आ रही है फिफ्टी टू डिग्री येल्लो के लिए फिफ्टी टू डिग्री बने फिफ्टी टू डिग्री फिर माइनस वन ठीक है ये हमें करना है अब देखिए यहां पे हम इसको सॉल्व करें फिफ्टी थ्री माइनस फिफ्टी वन करें कितना आएगा ये टू ठीक है फिफ्टी टू माइनस वन करें कितना फिफ्टी वन तो टू अपॉन फिफ्टी वन टू अपॉन फिफ्टी वन करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर तो जीरो पॉइंट जीरो फोर यह आएगा अप्रोक्सीमेट तो कौन सा आंसर जाएगा सेकेंड इसका ठीक है चलो अब आ कहते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी को देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कि एक टेलीस्कोप है ठीक है इसके आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ की बन है ठीक है हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर आपको फाइंड करनी है ठीक है तो चो मैग्फाइंग पावर क्या होती है एम इजल टू ठीक तो है एफ अपॉन एफ ई एफ ओ अपॉन एफ ई ठीक है तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी है टू हंड्रेड तो रख दो एंड आई पीस आई पीस की फोकल लेंथ कितनी यहां फोर पीस की फोर है तो डिवाइड करो कितना आता है फिफ्टी तो कौन सा आंसर आ गया सेकेंड ठीक है आंसर आ गया सेकेंड चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे दो प्रिज्म में जिनके म्यू आपको गिवन है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 1.72 ठीक है तो आपसे कह रहा है कि यहां पे बिना विचलन के विक्षेपण कर रहे हैं बिना विचलन के विक्षेपण मतलब विचलन नहीं हो रहा है डेविएशन कितना है जीरो है ठीक है विदाउट डेविएशन यहां पे आपसे बोला है विदाउट डेविएशन बिना विचलन के विक्षेपण हो रहा है मतलब डेल नेट ठीक है डेल वाई नेट कितना है बेटा यहां पे जीरो है डेल वाई नेट जीरो है तो अपन देखते हैं ए इंटू म्यू माइनस वन की जो वैल्यू है मतलब ए वन म्यू वन माइनस वन टू क्या होगा ए टू इन टू म्यू टू माइनस वन मतलब हमें दूसरा प्रिज्म ऐसे रखना पड़ेगा कि दोनों के लिए ये वैल्यूज अपोज बराबर हो और दूसरा वाला प्रिज्म उल्टा रखना पड़ेगा ताकि वापस इनका नेट डेविशन जीरो हो जाए हमसे अब इसका एंगल निकालना ए टू वैल्यू तो बेटा यहाँ से ए टू निकालेंगे तो ए टू इज टू क्या जाएगा ए वन म्यू वन माइनस वन में म्यू टू माइनस वन ठीक है अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दो तो यहाँ पे देखिए ए वन ए वन में कितना गिवन है फोर डिग्री ठीक है तो इसको फोर डिग्री रख दिया अपन ने म्यू वन माइनस वन म्यू वन माइनस वन जो गिवन है वन पॉइंट फाइव फोर की है तो वन पॉइंट फाइव फोर में से वन माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव फोर आएगा ठीक है और इसमें से म्यू टू में से वन माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट सेवन टू आएगा ठीक है तो उसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा थ्री डिग्री तो आता रिजल्ट थ्री डिग्री के इक्वल तो कौन सा आंसर आ गया थर्ड

मतलब डेल मिन एक एक की वैल्यू एक्वल है ठीक तो है तो एंगल ऑफ प्रिज्म बता देखते हैं इसके अंदर यहाँ पे न्यूनतम विचलन वाली स्थिति बात कर रहा है मिनिमम वाले कोण के लिए तो यहां से म्यूज इक्वल टू आप जानते हैं ये होता है साइन मिन प्लस ए वाई टू अपॉन साइन ए वाई टू ये अपन फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है तो इसका यूज करना है अपन को तो यहाँ सा इसके अंदर म्यू हमें यहाँ पे की गिवन है ये लो μ को √2 रख दिया अपन ने अब sin अब देखो ये दोनों a a हैं डेलमिन एंड a दोनों सेम दे रखे हैं तो इस चीज को अगर आप a रखोगे इस चीज को a अपन पुट करें तो a a 2 कितना हो गया sin a हो गया ठीक है sin a और नीचे कितना बेटा ये sin a 2 तो है ही सही ठीक है sin a 2 अब इसको हम ऊपर sin 2θ वाले फॉर्मूले से ओपन कर दें क्या जाएगा ये टू साइन ए वाई टू अपॉन साइन ए बाई टू ठीक है और नीचे तो यह साइन ए बाई टू कॉस आएगा ना टू साइन ए वाई टू कॉस ए वाई टू ठीक है टू साइन एस ए वाई टू से अपन ओपन कर दिया अब यहां पे नीचे साइन ए वाई टू तो यहाँ पे साइन ए वाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल कर दो ये साइन ए वाई टू से साइन ए वाई टू कैंसिल क्या है टू कॉस ए वाई टू टू कॉस ए बाई टू तो इस टू को इधर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बाई टू की वैल्यू आएगी वन बाई रूट टू किस एंगल पे वन बाई रूट टू होता है 45 डिग्री पे. तो यहां से एजल टू गया नाइन डिग्री तो नाइन डिग्री, तो डिग्री. तो डिग्री को टिक कर देंगे आंसर है है फोर्थ नाइन डिग्री ठीक है चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पे क्या है फिफ्टी फोर देखिए

रिफ्रेक्शन केस में अपवर्तन केस में हमेशा डेविएशन ज्यादा कौन से कलर का होता है बैगनी रंग का वॉलेट कलर का डेविएशन मैक्सिमम होता है किसका होता है रेड कलर का तो जहां भी रिफ्रेक्शन हो रहा है प्रिज्म के अंदर भी तो रिफ्रेक्शन ही होता है ठीक है तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन पूछा गया है तो मिनिमम डेविएशन किसका होगा रेड कलर का ये रहा थर्ड आंसर आ जाएगा रेड कलर का डेविएशन सबसे मिनिमम होता है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स में आप देखें आप फिर पैरल लाइट इज गोइंग बैक पैरल यहाँ से लाइट आ रही है यहां से आती है यहां अंदर जाके वापस लौट के वापस इधर लौट आती है ठीक तो है, है तो आप पे इसमें इस कि यहां की वैल्यू क्या होगी मिल रही है तो ये डिस्टेंस जो है मतलब ये क्या है फोकल पॉइंट ऑफ है, फोकल पॉइंट ऑफ लेंस तो ये डिस्टेंस कितनी होगी स्मॉल एफ के इक्वल उसके बाद फिर हम आगे देखें यहां से बेटा रे इधर गई और लौट के वापस यहां गई ठीक है जिस पाथ पर गई थी उसी पे वापस लौट के आ गई तो हम जानते हैं जब भी कोई मिरर के सी पर अगर कोई र, र, रे आ रही है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो वापस लौट के अपने पाथ वापस जाके अपने पाथ पे लौट आती है तो ये पॉइंट क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की वजह से ये डिस्टेंस क्या होगी आर ठीक है आर होगी तो यहां पे हम देखें एफ प्लस एफ प्लस आर हमें कितना दे रखा है यहाँ पे फिफ्टी ठीक है तो एफ प्लस इस आर की वैल्यू इसकी फोकल ट्वेल्व है तो थर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स माइनस आएगा कितना आएगा ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी में से ट्वेंटी फोर माइनस करो कितना आ ट्वेंटी सिक्स तो आंसर आएगा सेकेंड ठीक है क्लियर चलो आते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन पे तो ये क्वेश्चन नंबर आपसे आपसे कह रहा है आपसे आपसे यहाँ पे ऊपर से, से, से जब भी अपने को इस काटते है, तो इससे काटने पर जो नीचे नीच वाला के रेस्पेक्ट में न, तो इसकी फोकल लेंथ है ना जिसकी बेटा फोकल लेंथ अगर एफ है तो ऊपर वाले की फोकल लेंथ क्या होती है टू हो जाती है टू हो जाती है इस ऊपर वाले पोर्शन का फोकल पॉइंट थोड़ा दूर चल जाता है ठीक है इसका फोकल पॉइंट यहाँ पर इस जगह एफ इसका फोकल पॉइंट टू एफ एफ पर, पर यहां आ, फोकल इसका। यहां से रेज आ रही होंगी से तो देखिए सेकंड वाला सेकंड वाले में यहां की मिल रही है और यहां, पे यहां की मिल रही है तो उसका आंसर क्या जाएगा ये सेकंड ठीक है इससे अपन समझ सकते हैं आइए अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपसे गिरा है कि पे एक लेंस है इसमें तीन अलग अलग मीडियम आपने फिल कर दी है तीन अलग अलग मीडियम फिल कर देंगे तो थ्री डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ जाएंगे इसकी थ्री डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ होने की वजह से थ्री डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे इमेज बनेगी तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे थ्री ठीक है चलो आगे आते हैं फिफ्टी नाइन पे फिफ्टी नाइन क्वेश्चन एक कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है इसको अगर अपन किसी लिक्विड में डुबो दें म्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में तो कौन सा यहाँ पे लेंस का व्यवहार होगा ये आपको बताना है तो जो उत्तर लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है अब जो लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग से ज्यादा है तो अच्छी बात है ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है बट इसका इसका अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उससे अगर कम हो गया मतलब म्यूवन इज लेस देन म्यूटू है तो ये बन जाता है डाइवर्जिंग अब सारी लेंस ठीक है मतलब अगर म्यूवन की वैल्यू म्यूटू से लेस है तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा अब सारी लेंस की तरह बिहेव कर रहा होता है ठीक है नॉर्मली अपन जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस नॉर्मली मतलब जैसे कांच का लेंस है ग्लास लेंस है एयर में रखा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है किसकी तरह है? एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह लेकिन अगर इस लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर कम हुआ तो नेचर उल्टी हो जाती है है बन जाता डाइवर्जिंग ठीक है तो उसमें आंसर हो जाएगा सेकेंड ठीक है चलो आए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पर देखिए है सिक्सटी आपसे टू फोकल लेंथ के लेंस है ठीक है इनको हमने एक्सिस के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है तो इनकी नेट पावर क्या होगी तो एक हम जानते हैं नेट पावर होती है पी वन प्लस पी टू के इक्वल ठीक है पी वन प्लस पी टू पी वन वन अपॉन एफ वन और ये 1 F2, तो F1, F2 आप ले क्या ले लीजिए एल सी एम तो एफ टू प्लस एफ वन ठीक है तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसके अंदर थर्ड एफ वन प्लस एफ टू अपॉन एफ वन एफ टू ठीक है चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन पे सिक्सटी वन में आपसे कह रहा है कि

अप्लाई अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं एंगल कितना है थर्टी डिग्री साइन थर्टी करेंगे थर्टी अब देखिए इसमें साइन फोर्टी फाइव होता है वन बाई रूट टू ठीक है म्यू साइन थर्टी क्या होती है वन बाई टू तो टू को ऊपर भेज दो तो टू तो जाएगा रूट टू तो म्यूजिकल रूट टू कौन सा ऑप्शन है पहला आ जाएगा फर्स्ट आंसर म्यूजिकल टू रूट टू ठीक है चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर पे आपसे कह रहा है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना है कि यहां पे जो रे आ रही है इस ओ पर मिलती फील हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट की पोजिशन गिवन है तो बताना है कि इमेज की पोजिशन कहा होगी ये बताना है ठीक है लेंस से कितनी दूर मिलेगी बोला इमेज की लोकेशन बतानी है तो यहां सब देखिए ये कॉनवेक्स लेंस दे रखा है ठीक है कॉनवेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है फोर्टी ठीक है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आप एंड यहाँ पे यू यूज इक्वल टू की बने फोर्टी यहाँ पे फोर्टी पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन दिखा रही है हमें क्या निकालना है वी निकालना है तो वी हमसे पूछ रहा है तो लेंस के लिए लगा दो फॉर्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ठीक है तो यहाँ से वन अपॉन यू उधर इधर ले आएंगे तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू किया जाएगा वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू ठीक है रख दो दोनों के लिए फोर्टी फोर्टी है तो वन अपॉन फोर्टी प्लस वन अपॉन फोर्टी ये हो जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी सॉरी बराबर वन अपॉन ट्वेंटी जाएगा ठीक है इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी हो गया ये वन अपॉन ट्वेंटी तो v कितना गया से v इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी तो कहाँ आके मिलेंगी ट्वेंटी पर तो यह आ जाएगा आंसर ठीक है 20 सेंटीमीटर ऐसा है तो 20 सेंटीमीटर पे ये आपको रिजल्ट ऑप्टिकल हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आगे आगे 63 63 क्या कह रहा है आपसे देखिए आपसे कह रहा है कि ये रे डायग्राम दिखा रहा है इसके अंदर ठीक है ये डायग्राम करेक्ट कब है ये बताना आपको तो देखो यहाँ पे लेंस कौन सा बेटा ये कन्वेक्स बिहेव कैसे कर रहा है डाइवर्जिंग अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपने आपसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस अगर डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है ये तो ही पॉसिबल है जब इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए ये रहा एन ये जो ग्रेविटी ये जो एन है ये प्रिंटेड ढंग से नहीं एन वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन एन ठीक है एंड एन टू बराबर है एंड एन जी की वैल्यू मतलब ग्लास का जो प्रिज्म का जो ये का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये N1 से लेस होना चाहिए तो ये आंसर क्या आएगा इसका ये ये थर्ड ठीक है चलो आ गया है क्वेश्चन नंबर 64. देखिए 64 में आपसे कह रहा है कि एक पर्सन है ठीक है जो ऑब्जेक्ट है टेन सेंटीमीटर से दूर वाले उनको ये नहीं देख पा रहा क्लियरली इसका मतलब कौन सा डिजीज है? है मायोपिया ठीक है मायोपिया के, के केस में ये ज्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पाता क्यों क्योंकि इसका जो फार पॉइंट है

तो वही वाई यहाँ पे यूज करते हैं ठीक है तो एफ इजलता है कितना मीटर आ गया वन मीटर तो यहां पे वन मीटर रख दिया तो कितना हो गया माइनस वन डायोप्टर ठीक है तो पावर क्या जाएगी माइनस वन डायप्टर इवन जाएगा रिजल्ट वाई यहां पे क्या फार फार है चलो आ गया सिक्सटी फाइव पर सिक्स क्या कह रहा है ठीक है यहाँ पे fv एंड fr फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दे रखी है ठीक है इनमें fv fv कॉनकेव के लिए बता रखी है तो इनमें रिलेशन क्या होगा तो कॉनवेक्स हो या कॉनकेव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेन चीज जो फोकल लेंथ अपन देखें यहाँ पे 1 upon f की जो डिपेंडेंसी है ये होती है प्रोपोर्शनल टू μ 1 पढ़ते हैं ना लेंस मेकर फार्मूला फिर ये म्यू जो है म्यू ये डिपेंड करता है अपॉन यहाँ पे नीचे आ रहा है यहाँ पेमडा भी नीचे आ रहा है इसका मतलब इज टू दी है ठीक है तो यहाँ पे रेड कलर के लिए हम जानते हैं मतलब टू क्या लेमडा तो जिसका वेब लेंथ ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी तो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है ग्रेटर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो यहाँ पे रेड कलर के लिए ग्रेटर आएगी तो कौन सा ऑप्शन है रेड के लिए ग्रेटर ये वाला सेकंड ऑप्शन ठीक एफ आर इज ग्रेटर एफ पी यहाँ भी एफ आर इज ग्रेटर दैन एफ ओके चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स पे सिक्सटी सिक्स में आपसे कह रहा है कि काफी दूर बच्चों सन है इन काफी दूर होता है सन सन की लोकेशन वो उसकी सन की इमेज हम बनवा बना रहे हैं है, किसी कॉन्वेक्स लेंस से ठीक है तो उसकी इमेज की डायमीटर की वैल्यू आपसे कह रहा है क्या होगी देखिए इस तरह से बैठाइए एक कॉन्वेक्स लेंस है यह ठीक है कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे काफी दूर सन है ठीक काफी दूर बच्चों सन है

तो हमें निकालना क्या है डी डैश निकालना है तो डी डैश एफ को मल्टीप्लाई कर दो एफ डी अपॉन आर डी एफ डी बस दो तो चलो आगे आते हैं क्वेश्चन सेवन पे क्वेश्चन सेवन आपसे लेंस को शो कर रही है बताना है कि लेंस कौन सा है देखिए अब यहां जो रे आ रही थी इस पॉइंट मिलती हुई फील हो रही थी अब के डाइवर्जो आकार थी यहां पे लेकिन इसको रखते से ही ये इधर डायवर्स हो गई है मतलब थोड़ी अवे शिफ्ट हो गई है तो डायवर्जिंग लेंस होना चाहिए नॉर्मली अपन जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है कौन कैब लेंस तो क्या आएगा आंसर अवतल लेंस कौन कैब लेंस आ जाएगा इसका आंसर ठीक है चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पर देखिए सिक्सटी एट क्या कह रहे हैं आपसे कॉन्सिडर एंड इक्नवेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ अच्छा बच्चों यहाँ पे फोकल लेंथ की अपन जानते हैं ठीक है अब हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है एफ इज ग्रेटर बोला गया ये ठीक है ये अब गिवन है रख दो एफ क्यूलू हमसे हमें एफ क्यूलू रखनी है आर अपन टू म्यू माइनस वन ये अपने वेल्यू ऑफ एफ रख दी है ग्रेटर देन आर आर से आर कट जाएगा ठीक है तो यहाँ पे एल में क्या बचा आप इसको एक काम करें इसको उधर ले आते हैं तो एल में वन बचेगा और इसको उधर ले गए तो ठीक है ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन।, वन तो यहाँ से हम देख रहे हैं चलो इसको नीचे ले आओ तो वन अपॉइंट टू लेस देन ग्रेटर दैन ग्रेट ग्रेट म्यू माइनस वन इस वन को उठा के उठागे ऐड कर देंगे तो थ्री बाई टू ग्रेटर देन म्यू ग्रेट

पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेसेंटर ऑफ ए ग्लास रेडियस इज देखिए आपसे पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर ऑफ ग्लास यहाँ पेक्ट पे रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है अब यहाँ पे इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट बच्चों इंडेक्सोधर से देख रहे हैं ठीक है ऑब्जर्व कर रहे हैं ठीक है अब हमें यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसकी इमेज की लोकेशन बतानी कहाँ बनेगी इसकी इमेज ठीक है कैसे निकालेंगे इमेज देखो यहाँ बच्चों इसमें जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू

ठीक है पे है निकालना इसलिए माइनस सिक्स आएगा ये तो माइनस सिक्स रखेंगे तो यहां बन जाएगा प्लस सिक्स हो गया ठीक है उसके बाद फिर आगे म्यू टू माइनस पी वन करिए म्यू टू माइनस पी वन मतलब वन माइनस वन पॉइंट फाइव

आप देख रहे हैं नीचे कितना है माइनस का सिक्स तो हो गया अपॉइंट ट्वेल्व माइनस वन अपॉन फोर यह फोर चौथस में ये ट्वेल्व चाहे तो एलसीएम ले लें तो क्या जाएगा ये वन माइनस थ्री ठीक है तो क्या है माइनस टू अपॉइंट ट्वेल्व मीन माइनस वन अपॉइंट सिक्स

थर्टी फाइव टाइम्स टू फाइव आ गया तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई टेन माइनस फिफ्टीन टेन एंड माइनस फिफ्टीन कौन सा आंसर आएगा फर्स्ट ठीक है तो फर्स्टी का फर्स्ट आ जाएगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं इस पर अगला क्वेश्चन आए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन कंसिडर सिचुएशन शोन इन फिगर बिलो पी ठीक है इज पॉइंट ऑब्जेक्ट दिस तो चलो आप देखो ये पी पॉइंट है ठीक है इसके कॉर्डिनेट्स की बने आपको कितने माइनस ट्वेंटी एंड माइनस टू तो कहाँ पे होगा ये फोर्थ कॉर्डेंट में मतलब इस जगह कहीं ना कहीं इस जगह होगा ये पॉइंट पी फोर्थ क्वारेंट में क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट के कॉर्डिनेट माइनस ट्वेंटी एंड माइनस टू है माइनस ट्वेंटी एंड माइनस टू ऐसे बोलेंगे इस पी कॉर्डिनेट ठीक है अब बच्चों मतलब ऑब्जेक्ट को अपन कुछ इस तरह सोच सकते हैं इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कहाँ ये ट्वेंटी पर तो ट्वेंटी पे रखा हुआ इसका मतलब इसके कहाँ रखा है टू एफ पर टू एफ पर हा हुआ है ठीक तो है तो टू एफ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनती है इसके अदर साइड पे टू एफ पर इमेज बनेगी यहाँ पे उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी सेम लेंथ की इन्वर्टेड मैनर में इसके रेस्पेक्ट में उल्टी इमेज बनेगी बल्कि यू बनेगी तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखो ये किस में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये माइनस ट्वेंटी का तो क्या बन जाएगा प्लस ट्वेंटी ठीक है और ये माइनस टू का बन जाएगा प्लस टू ठीक है तो कौन सा आंसर आ गया तो प्लस ट्वेंटी प्लस टू मिस थर्ड आंसर क्योंकि ये फर्स्ट क्वारंट में आ गया ना तो फर्स्ट कॉर्डिनेट मतलब पहले चतुर्थांश में साढ़े कॉर्डिनेंट जो कॉर्डिनेट्स है वही टू होते हैं तो आ जाएगा रिजल्ट ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन सेवनटी टू देखिए सेवन टू में आपसे कह रहा है कि लेंस हैं हम सब कट करके इस तरह से अरेंज कर रहे हैं तो इनका फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा तो बड़ा इसकी फोकल लेंथ क्या है एफ ए ठीक है इसकी एवरी पार्ट की फोकल लेंथ क्या होती है टू एफ टू एफ तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा एफ ही बनेगा ठीक है एफ बनेगा इसमें भी

एंड एफ के बीच में ठीक है तो यहां पे यू यू का मान क्या होता है नेगेटिव, ठीक और फोकल अब देखिए फॉर्मूला वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ठीक है अब यहां पे इनको नेगेटिव साइन रख, दें। एफ को, भी रख दें, नेगेटिव। वी को भी रख देंगे नेगेटिव ये लो एंड यू को भी रख दो नेगेटिव ठीक है तो नेगेटिव नेगेटिव सब जगह कट जाएंगे और यहां से अगर मैं निकालू किसका मान वन अपॉन ये चलो कट गया अब यहां पे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे एफ से पहले तो नेगेटिव नेगेटिव काट दो सबके सबके नेगेटिव नेगेटिव काट दिए अपन ने अब यहां पे इसमें दोनों तरफ f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू ये हो गया f अपॉन v ठीक है ये हो जाएगा माइनस f अपॉन U ठीक है अब यहां पे इसमें देखिए हम यहां पे निकालें अब देखो यहां पे इसमें यहां पे क्या लिखा है बेटा ये v अपॉन एफ लिखा है ना मतलब हम यहां देखें y का मान कितना है y के वैल्यू v अपॉन एफ तो यहां पे f बटा v है तो उसको 1 अपॉन y बोल दो ये 1 अपॉन y ऐसे u बटा f है मतलब x की वैल्यू u अपॉन f है तो f अपॉन u क्या है 1 अपॉन x ठीक है अब यहां से अगर हम निकालें 1 y की वैल्यू तो 1 y कितना आएगा इस 1 x को उधर ले आओ तो वन अपॉन एक्स प्लस वन ठीक है ये आ गया रिलेशन इनमें अब यहां पे इसमें देखो x इक्वल टू अगर जीरो पुट करते हैं तो x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहां पे वन अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी x को जीरो रखो इन्फिनिटी और प्लस वन मतलब इन्फिनिटी तो y बराबर कितना है बेटा जीरो मतलब x बराबर जीरो पे क्या होना चाहिए y की वैल्यू जीरो तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा मूल बिंदु से ओरिजिन पे तो देखिए यहां पे कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ठीक है नहीं हो रहा इसलिए इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है बोनस है ठीक है तो इस क्वेश्चन को अपन बोनस कर देंगे ठीक है तो की के अंदर आप इसको बोनस कर लो कोई दिक्कत नहीं आपकी की बोनस के अकॉर्डिंग चेक हो जाएगी ओके चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए सेवनटी फोर क्वेश्चन आपसे यहां पे डबल कॉन्वेक्स लेंस एक गिवन है कॉन्वेक्स लेंस और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है इसके बारे में बताना आपको कि किस तरह से बीम आपको ऑप्टन होगी

क्योंकि यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू लेंस से ज़्यादा दे रखी है मतलब लेंस जो है मीडियम के रेस्पेक्ट में रेयर है इसलिए ये कॉन्वेक्स लेंस होते हुए भी एज ए डाइवर्जिंग लेंस बिहेव कर रहा है लेकिन बच्चों अब म्यू थ्री की बात करें तो म्यू थ्री पे जो इस पे रे आ रही है, है कॉन्वैक्स लेंस और ये बिहेव भी कन्वर्जिंग की तरह करेगा क्योंकि यहाँ पे इस लेंस की जो मेटेरियल है

ठीक है फोकल पॉइंट पे इमेज बनती है तो देखिए इस तरह से ये लेंस है यहाँ पे 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 बीम इस फॉल हुई आके इमेज बनाएगी फोकल पॉइंट पे इस जगह ये डिस्टेंस क्या होगी ठीक है यहां बनती है इमेज अब यहां से अपन एक चीज जानते हैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि जो वन अपॉन एफ है ठीक है इट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस वन ठीक है एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेमडा माइनस वन ये रिलेशन होता है इसमें ठीक तो है एक्स तो यहाँ पे, यहां पे, यहां पे, यहां यह पे क्या बोला देखो पहले तो ब्लू है ब्लू के लिए क्या है एक्स है तो एक्स सबसे स्मॉल होगी ठीक है तो एक्स सबसे स्मॉल होगी तो एक्स सबसे स्मॉल एक ही में दे रखी थर्ड वाले में ठीक है तो थर्ड वाला इसका आंसर आ जाएगा ठीक है आई सौ में

ऑब्जेक्ट की पोजिशन के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेल्फ एडजस्टेबल होती है क्लियर तो जैसे अगर और पक्की बात है बच्चों इमेज तो कब बननी है रेटिना पर ठीक है लेंस हमारा आई जो लेंस है आई लेंस के पीछे रेटिना की डिस्टेंस फिक्स होती है वहां पे इमेज बननी है अब ऑब्जेक्ट हम चाहे यहां रख के देखें चाहे इसको चाहे यहां रख के देखें चाहे यहां रख के देखें ठीक है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ वेरी कर रही है

द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स कॉन्वेक्स इज आर द फोकल लेंथ इज यह बतानी है तो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है ये ये होता होता है R upon mu R upon mu होता है अपॉन अपॉन म्यू म्यू अब यहां पे इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो है यहाँ पे म्यू को 1.5 रख दो तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.5 तो कितना हो गया 2r तो कौन सा आंसर आ गया थर्ड

चलो आगे आते हैं सेवनटी नाइन सेवनटी नाइन क्या कह रहा, रहा है कि एक इसकी फोकल ट्वेंटी सेंटीमीटर प्लेनो जाएगी बतानी है तो चलो इस तरह से ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है आर अपॉन न्यू माइनस वन ये अभी पने देखा भी था पिछले क्वेश्चन में ठीक है बट आपसे अब कह है कि बच्चों इसमें ये जो इस लेंस से इसकी अगर, अगर अपन प्लेन सरफेस को सिल्वरिंग कर दें ठीक है इसकी प्लेन सरफेस को अगर, अगर अपन सिल्वरिंग कर दें मतलब इस तरह से ये इसकी प्लेन सरफेस को अगर, अगर आप सिल्वरिंग कर देते हो तो सिल्वरिंग करने पे जो इसकी न्यू फोकल लेंथ तो होती है इसका फॉर्म होता है एफ इजल टू माइनस आर अपॉन टू म्यू माइनस वन ठीक है तो प्लेन सरफेस पे सिल्वरिंग कर देने पे ये बन जाता है रिजल्ट अब यहां को एफ रख दो इस आर अपॉन

गिवन ऑब्जेक्ट जो देखा है एक रियल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके लिए हमेशा इसकी इमेज जो बनती है इससे हमेशा वर्चुअल बनती है ठीक है चलो आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एटी वन एटी वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर इमेज फॉर्म इज इमेज कैसी बनेगी ठीक है एक कॉन्वेक्स लेंस से आपने ऑब्जेक्ट इसकी फोकल फोकोलैन ट्वेंटी कहा रख रहे हैं फोर्टी पे टू एफ पर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट अगर आप 2f पे रखते हो तो सेम साइज की इमेज बनती है अदर साइड में ठीक है सेम साइज की इनवर्टेड इमेज बन रही होती है रियल इमेज रियल इमेज ठीक है तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगी सेम साइज की बनेगी एंड इनवर्टेड कौन सा आंसर आएगा फर्स्ट वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का ठीक है ये बनेगा चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 82 82 में आपसे बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस

इमेज हमें निकालनी है ठीक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की है कितनी इसके अंदर यहाँ पे वन ये वन की वन इसको वन रख दो चलो ठीक है अब यहाँ पे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंथ से फोकल लेंथ तो अगर पॉजिटिव होगी ठीक है तो थर्टी रख दो इसको थर्टी ये थर्टी एंड यू डिस्टेंस हमेशा करनी पड़ती है नेगेटिव क्योंकि सामने कोई लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रहते हैं डिस्टेंस नेगेटिव होती है तो यू को रखा है माइनस तो माइनस तो क्या जाएगा बेटा ये ऊपर तो थर्टी है और नीचे कितना माइनस टेन तो माइनस टेन करेंगे तो एच इजल टू कित माइनस थ्री तो माइनस थ्री कौन सा ऑप्शन है पहला तो आ जाएगा आंसर माइनस थ्री सेंटीमीटर ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एटी थ्री एटी थ्री को आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें टू लेंस होते हैं ठीक है थीके? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ वन इज फाइव एंड कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर इज हंड्रेड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सेकेंड लेंस इज देखिए नेट मैग्नीफाइंग पावर जो होती है नेट मैग्नीफाइंग पावर एम वन इंटू एम टू इक्वल होती है जो कि आपको हंड्रेड दे रखी है एक की फाइव है तो दूसरे की कितनी आएगी सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी ठीक है तो डिवाइड कर दो ट्वेंटी आंसर आ जाएगा सेकेंड क्लियर चलो सेकेंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एटी फोर पे एटी फोर आपसे कह रहा है कि अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज टू फॉर्म एंड इमेज ऑन स्क्रीन वेन अपर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय एन ओपेक स्क्रीन ठीक है लेंस का ऊपर भाग अगर अपन किसी अपारदर्शी वस्तु से ढक दें ठीक है तो उससे क्या होगा आपने लेंस का एप्परेचर कम कर दिया है ट्रांसपेरेंट एरिया कम कर दिया है तो ट्रांसपेरेंट एरिया कम कर देने से जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी ठीक है तीव्रता घट जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज ठीक है इमेज की साइज पोजीशन, लोकेशन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा केवल किस पे फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं एटी फाइव पे एटी फाइव क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस से इसके चार इक्वल पार्ट्स किए इस तरह पार्ट करोगे टोटा तो एवरी पार्ट की जो फोकल लेंथ होगी टू एफ टू एफ की फॉर्म में ऑप्शन होती है टू एफ एव, एवरी पार्ट की फोकल लेंथ टू एफ है अब इन सभी का कॉम्बिनेशन करेंगे टू एफ टू एफ का ठीक है तो इन सभी टू एफ का कॉम्बिनेशन करने पे क्या बन जाता है ये बन जाता है एफ बाई टू के इक्वल ठीक है एफ बाई इक्वल सभी का क्यों अपन जानते हैं तो यहां से आप एफ नेट निकाल लो एफ बाई टू बन जाएगा रिजल्ट तो आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड ठीक है तो इससे अपन ये कर सकते हैं चलो आगे आते हैं एटी सिक्स पे क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स देखिए क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट ठीक है मोतियाबिंद है उसका अगर हमें इलाज करना है तो क्या करते हैं बेटा कैट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे जो नेचुरल लेंस होता है हमारे आईज का उसको हटा के एक प्लास्टिक का लेंस अप्लाई करते हैं मतलब जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फिक्सड होती है देखो हमारे नॉर्मल विजन अपन जो आई यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? आई के लिए आपको थोड़ी देर पहले समझाया था जो फोकल लेंथ होती है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो ऑब्जेक्ट की पोजिशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल होती है ठीक है बट यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं एक फिक्स्ड

तो इन्फिनिटी बनाएगा तो फिर हमारी आईस को थोड़ा क्लियर दिख जाएगा तो यहां से इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्मुला वन अपॉन एफ इजक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये वाला फॉर्मुला लगाते हैं अपन ठीक है पर, तो वन अपॉन वी तो वन अपॉन वी मीन वन अपॉन माइनस इनफाइन यू के ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव रख देंगे माइनस में ट्वेंटी फाइव तो ये प्लस हो गया ठीक है तो यहाँ से क्या निकालनी है पावर निकालनी है तो ये पावर पी इज टू वन अपॉन एफ ही होता है ना पी इक्वल टू वन अपॉन एफ ठीक है तो पी इक्वल टू कितना वन अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है वन अपॉन ट्वेंटी फाइव बट ये सेंटीमीटर में है नीचे सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगी वेलू जीरो पॉइंट फोर टाइम्स

डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन फॉर ए लॉन्ग साइट पर्सन इज एट एक्स मीटर मतलब यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस गिवन है दूर दृष्टि दूरी दृष्टि जो गिवन है वो कितनी दे रखी है न्यूनतम दूरी एक्स मीटर दे रखी है ठीक है यहाँ पे अब अब मतलब क्या मतलब है कि जो पर्सन है इसको एक्स मीटर वाले जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देते हैं ठीक है लेकिन उससे पास वाले ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते एक्स या उससे ज्यादा डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट तो क्लियर देख पा लेता है लेकिन यहां पे इसको उससे कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते अब आपको कह रहा है कि अखबार पढ़नी है उसको x बाई टू डिस्टेंस पर कोई न्यूज पेपर है वो रीड करना है तो अब उसको कैसे पढ़े तो बेटा हमें एक ऐसा लेंस काम में लेना पड़ेगा जो कि इस x बाई टू डिस्टेंस पर जो न्यूज़पेपर रखा हुआ है उसकी इमेज कहां बनाए x डिस्टेंस पर ताकि उस पर्सन को फिर वो क्लियर दिख जाए तो यहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स बाई टू तो यूक्त पावर गिवन एक्स तो एक्स तो, उसकी पावर गिवन है ठीक है तो फोकल लेंथन एक्स तो अप्लाई कर देख फॉर्मुला वन अपॉन एफ इज टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ठीक है से upon इसको तो एक्स तो हो जाएगा तो वन अपॉन वी मीन ये माइनस एक्स यू को रखेंगे तो ये टू अपॉन एक्स एक्स इजल टू कितना हो गया बेटा टू अपॉन एक्स में से वन अपॉन एक्स माइनस करेंगे तो वन अपॉन एक्स तो एक्स स्क्वायर इजक्ल टू क्या वन तो एक्स इजक्ल टू कितना गया वन आ गया तो वैल्यू ऑफ एक्स तो पूछ रहा है आपसे कितनी आई वैल्यू ऑफ एक्स वन हो जाएगी यहाँ पे ठीक है चलो आगे आते हैं अगला क्वेश्चन एटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देखिए क्या कह रहा आप है आपसे सिंपल माइक्रोस्कोप है फाइनल इमेज इज लोकेटेड एट 25 सेंटीमीटर ऑफ आईपीस ठीक ट्वेंटी आई से में, ठीक, आई से, आई से 25 पे, मिल रही है इमेज की देन द मैग्नीफाइंग पावर इज तो चलो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है 1 प्लस डी अपन एफ ये होती है सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे 1 प्लस डी अपन एफ ठीक है तो डी वैल्यू पुट कर दो डी 25 अपॉन में एफ तो कौन सा आंसर आ गया वन प्लस ट्वेंटी अपॉन एफ फर्स्ट ठीक है यह आ जाएगा रिजल्ट चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे ठीक है 89 पे आपको ये कई सारी फोकल लेंथ गिवन है ठीक है चार लेंसस की आपसे कह रहा है कि हमें इसकी हेल्प से एक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बनाना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो हम चाहते हैं कि लार्जेस्ट मैग्नीफिकेशन मिले तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस क्या होनी चाहिए तो बेटा m to, क्या होता है m fo fe तो एफई जितना छोटा होगा एम उतना ज्यादा होगा तो सबसे छोटी फोकल लेंथ देख लो वो यूज कर लो तो सबसे छोटी फोकल लेंथ कौन सी है टेन सेंटीमीटर इसलिए आंसर आएगा टेन सेंटीमीटर ये टिक करेंगे अपन ओके चलो अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नाइनटी देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विदेलीस्कोप ऑफ हाउस सिट्स ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है आपसे कह रहा है कि हम काफी दूर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अब उसके ऑब्जेक्टिव लेंस पे कोई मक्खी आके बैठ गई आई पीस पे सॉरी आई पीस पे नहीं ऑब्जेक्टिव लेंस पे कोई फ्लाई आके बैठ गई है तो उससे क्या होगा अब उससे बेटा उस लेंस का ट्रांसपेरेंट एरिया कम हो गया ठीक है तो ट्रांसपेरेंट एरिया कम होने से अब जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे उसकी इमेज हमें क्लियर नहीं दिख पाएगी ठीक है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डिक्रीज ठीक है तो, तो से इंटेंसिटी क्या होती है इमेज की डिक्रीज हो जाती है यह आता है इसका रिजल्ट ठीक है तो आंसर आ गया थर्ड ठीक है इससे अपन ने कंप्लीट पेपर सॉल्व किया ठीक है आशा करता हूं हमने काफी एंजॉय किया होगा इस पेपर को और आपके नंबर भी अच्छा भी है होंगे ठीक है इस प्रकार बेटा लगे रहिए सीएलसी के साथ ठीक है चलो फिर मिलते हैं ओके गुड बाय